हेलो दोस्तों, मेरा नाम धनंजय है। इस चैनल का नाम है फिजीफिन। इस पे मैं जनरली फाइनेंस, स्ट्रेटजी, इन्वेस्टिंग, कॉर्पोरेट एंड आपको सोशल इश्यूज पे वीडियो बनाता हूँ। और इस टॉपिक पे जो इस वीडियो जो आपने वीडियो खोला है, इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। ये बेसिकली एक स्ट्रेटजी होती है, एक एक मॉडल होता है जिससे हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, और आपको उस कोशिश होती है कि ज़्यादा पैसा बनाया जाए। तो इसमें पांच पॉइंट पे बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ, फाइव पॉइंट्स, जिनमें मैं सारी बातें आपको करके दूंगा और उसके बेसिस पे आपके दिमाग में डेफिनेटली एक आइडिया आ जाएगा कि व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, पहला पॉइंट कवर करूंगा व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, सेकेंड पॉइंट कवर करने वाला हूँ कॉमन टूल्स एंड इंडिकेटर्स फॉर टेक्निकल एनालिसिस, तीसरा पॉइंट मैं कवर करने वाला हूँ चार्ट पैटर्न्स, फोर्थ पॉइंट मैं कवर करने वाला हूँ लिमिटेशंस एंड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, एंड फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंक्लूजन। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा, और हाँ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा क्योंकि वीडियो आएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। जो टेक्निकल एनालिसिस होता है बेसिकली वो हिस्टोरिक प्राइस वॉल्यूम उसके डेटा को आइडेंटिफाई करता है, उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है एंड उसके ट्रेंड को, जो मार्केट में उसका ट्रेंड था पास्ट में, उसको आइडेंटिफाई करता है। और ये टेक्निकल एनालिसिस से बिलीव किया जाता है कि जो पास्ट मार्केट डेटा है वो हमें फ्यूचर इनसाइट के बारे में बताता है, फ्यूचर बिहेवियर के बारे में बताता है उस पर्टिकुलर स्टॉक के, और हमें टूल देता है एनालाइज, विजुलाइज और इंटरप्रेट करने का, यानी डिसीजन बनाने का, और उसके बेसिस पे हम अपने ट्रेडिंग डिसीजंस बनाते हैं। हम उसके बेसिस पे कुछ शेयर को लेते हैं, कुछ इक्विटी को परचेज करते हैं और ये बिलीव करते हैं कि ये मेरा जो मॉडल है उसके हिसाब से वर्क करेगा। अब कॉमन टूल्स एंड इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, किसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। पहला एक होता है मूविंग एवरेज, दूसरा पॉइंट होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एंड उसके बाद सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल। आपने अक्सर सुना होगा टीवी चैनल पे, लोगों को यूट्यूब वीडियो पे, इस पे सपोर्ट है इस स्टॉक का, इस पे रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। सपोर्ट यानी यहां से नीचे नहीं जाएगा, जाएगा तो फिर अगला सपोर्ट यहां तक है। तो ये जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है ये बेसिकली इसी का कॉमन टूल्स एंड इंडिकेटर का ही पार्ट है। मूविंग एवरेज एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो एवरेज प्राइस ऑफ स्टॉक ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बताता है, एंड बिलीव मी दिस कैन हेल्प स्मूथ आउट शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस इन द प्राइस एंड रिवील लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स। ये बताता है या आपको सचेत करता है सूट से कि क्या इसका फ्यूचर ट्रेंड रहने वाला है, क्या इसका पास्ट ट्रेंड था उसके बेसिस पे जो आप गेस करते हो वो क्या रहने वाला है, ये आपको बताता है। अब बात करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये बेसिकली एक मोमेंटम इंडिकेटर है दैट मेजर्स द स्पीड एंड चेंज ऑफ प्राइस मूवमेंट, यानी स्पीड और चेंज ऑफ प्राइस मूवमेंट, स्पीड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इट कैन हेल्प आइडेंटिफाई ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन इन द मार्केट, ये बताता है कहीं ये स्टॉक बहुत ज्यादा तो नहीं खरीदा जा चुका, कहीं ये स्टॉक बहुत ज्यादा तो नहीं बेचा जा चुका जिससे नीचे चला गया हो। तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बताता है किसी स्टॉक को ओवर परचेस्ड या ओवर सोल्ड तो नहीं किया गया है। उसके बाद सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल, बेसिकली दीज आर द प्राइस दैट द स्टॉक टेंड्स टू बाउंस ऑफ, इधर एज अ फ्लोर एज अ सीलिंग, नीचे से बाउंस ऑफ करके आएगा या ऊपर से टकरा के आएगा और रेसिस्टेंस से टकरा के वापस आएगा। तो ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल का की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कॉमन चार्ट पैटर्न की। ये कॉमन चार्ट पैटर्न क्या है, इसमें बड़े सारे मॉडल्स हैं। ये अगर आप इसमें पूरी की पूरी एक मास्टर डिग्री होती है, मैंने उसको किया भी है, मैंने पढ़ा भी है। एक होता है हेड एंड शोल्डर, हाँ वही जो शैम्पू है हेड एंड शोल्डर वाला, वैसा एक मॉडल होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एक होता है ट्रायंगल और एक होता कप एंड हैंडल, बिल्कुल कप एंड हैंडल। मैं अपने डिजाइनर साहब से बोलूंगा अगर पॉसिबल होगा तो यहाँ पे दिखाएंगे उस चीज को। अब हेड एंड शोल्डर की बात करते हैं, पैटर्न वेयर द स्टॉक राइजेस टू अ पीक देन फॉल्स
rises to a higher peak, falls again, and then rises to a lower peak. This can indicate the trend reversal. गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया. तो ये head and shoulder वाला, यहाँ, 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 समझ गए? इसीलिए इसको head and shoulder बनाया जाता है. Triangle क्या होता है? Pattern where the stock price moves within a triangle shaped range. यहां पे अगर मूव करता है तो इसे हम ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं. दिस कैन इंडिकेट अ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन बिफोर अ पोटेंशियल ब्रेकडाउन. यानी कंसोलिडेट कब करेगा, ब्रेकडाउन कब होगा, ये आप इस पैटर्न से स्टडी कर सकते हैं. उसके बाद बात करेंगे हम लोग कप एंड हैंडल. अ पैटर्न प्राइस, यू नो, वेयर स्टॉक प्राइस फॉर्म अ यू शेप्ड कप. ये कप बना लिया ना, कप, और उसके बाद हैंडल फॉलोड बाई ए स्मॉलर प्राइस मूवमेंट जो उसके हैंडल को रिप्रेजेंट करेगा. जो प्राइस मूवमेंट होगा उसका हैंडल होगा, यू शेप्ड कप बनाएगा. दिस कैन इंडिकेट अ पोटेंशियल अपवर्ड ट्रेंड. नीचे आया फिर ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद एक मूवमेंट दिखेगा हैंडल बनाते हुए. तो ये होगा इसका कप एंड हैंडल. ये कॉमन चार्ट पैटर्न था जिसके बारे में बताया. अब मैं बताऊंगा लिमिटेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. अब लिमिटेशंस क्या है टेक्निकल एनालिसिस में? अब इसमें बेसिकली है कि यू नो टेक्निकल एनालिसिस कैन बी अ पावरफुल टूल फॉर आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड्स इन द मार्केट एंड इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इट हैज ओन लिमिटेशन. लिमिटेशन तो यार होगा ही होगा. आप अगर केवल ट्रेंड के बेसिस पे ट्रेड करने लगे और सब आपके फेवर में जाने लगा तो आपको पता है कितने लोग इस पूरे यू नो यूनिवर्स में, पूरे अर्थ पे आपको पता कनेक्टेड हैं. एक सेकेंड में बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है. और ये तो पैसे वाली बात है. बहुत जल्दी जो समझदार लोग हैं, दिन भर चिपके वाले लोग हैं, वो तो इससे अमीर बन बन के निकल जाएंगे. लेकिन ये पास्ट प्राइस एंड वॉल्यूम और से जो हम डिसाइड करते हैं बेसिकली ये बहुत ज़्यादा आप इस पर बिलीव नहीं कर सकते हैं. कई बार अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और चेंज इन द मार्केट हो जाता है जिससे सारे आपके प्लानिंग ना धराशाही हो जाते हैं. एडिशनली टेक्निकल एरर अलोन मे नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ कंपनीज लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स. टेक्निकल एनालिसिस से कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स पे आप बारे में नहीं जान सकते हो. कुछ भी हो जाता है बीच में, आपको पता है अभी अदानी एंड आपने देखा होगा अदानी के बारे में क्या हुआ. तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स जो अगर आ गई तो ये कंप्लीट फेल हो जाता है. एंड इट डजंट टेक इनटू अकाउंट फंडामेंटल फैक्टर्स सच एज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या जा रहा है, इन सब पे भी बात नहीं करता ये. तो ये इसकी लिमिटेशन है. यानी लिमिटेशन क्या हो गया कि ये मार्केट में जो यू नो स्पेकुलेशन है, कुछ अनएक्सपेक्टेड अकरेंस हो गया, उसको नहीं बताता. ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडस्ट्री ट्रेंड की बेसिस पे इसका डिसीजन नहीं लिया जाता, वो कभी कभी लीड कर जाता है तो ये फेल हो जाता है. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पे ये लिमिटेशन करता है, लिमिट करता है. अब मैं कंक्लूजन की बात करूँगा. इन कंक्लूजन टेक्निकल एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट डेटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड ट्रेंड. ये तो रहा इसकी डेफिनेशन, बट दैट कैन बी यूज फॉर द मार्केट ट्रेडिंग. लेकिन जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे आते हैं तो इट शुड बी मिक्स्ड विद फंडामेंटल स्ट्रेटजी. अगर आप फंडामेंटल के साथ इसको मिक्स नहीं करते हैं तो जो मैंने बताया प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. प्रॉब्लम देखो उसमें भी आ सकती है, अनएक्सपेक्टेड कुछ स्पेकुलेशन आ गया, इंडस्ट्री ही डाउन हो गई, ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स का ट्रेंड डाउन हो गया, तो आप कुछ नहीं कर सकते. कोई डेटा आ गया, डेटा की वजह से एक मार्केट क्रैश होने लगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते. बट फिर भी एक क्वेश्चन देता है फंडामेंटल एनालिसिस. और जैसे आरएस मूविंग जो इट इन्वॉल्व्स यूजिंग टूल्स सच एज मूविंग एवरेज, आरएसआई, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल, एज वेल एज आइडेंटिफाइंग चार्ट पैटर्न लाइक हेड एंड शोल्डर, ट्रायंगल एंड कप एंड हैंडल पैटर्न. व्हाइल टेक्निकल एनालिसिस हैज लिमिटेशन, इट कैन बी अ पावरफुल टूल व्हेन यूज्ड टू कंजुगेशन विद द फंडामेंटल एनालिसिस. जब ये फंडामेंटल एनालिसिस के साथ यूज किया जाता है तो पावरफुल टूल बनता है. लेकिन अगर अकेले यूज किया जाता है तो ये आपको चपत लगा सकता है. इसलिए मैं बोलूंगा कि कभी भी कोई एक बेसिस पे, एक एनालिसिस के बेसिस पे कभी भी आप स्टॉक परचेज ना करो. इन्वेस्टिंग डिसीजन तो बिल्कुल ना करो. हाँ, डे ट्रेडिंग में आप ऐसा सोच सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा. एंड देन आपको अगर कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो आप फंडामेंटल एनालिसिस भी करिए, टेक्निकल भी ऑफ कोर्स करिए, बिकॉज ये एनालिसिस काफ़ी लोग करते हैं और अच्छे काफ़ी पैसा बनाते हैं. कई कई कंपनियां टेक्निकल एनालिसिस की मेंबरशिप देती हैं और आपको टिप्स देती हैं, और नेचुरली उनमें लोग बैठे होते हैं आपको कमवाने के लिए, पैसा यू नो अर्न कराने के लिए बैठे होते हैं.
तो इट वॉज ऑल अबाउट माई वीडियो, आई होप आप थोड़ा एजुकेट हुए होगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी